सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है बीफ लंग्स रेसिपी। बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी, बहुत ही यूनिक और बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी और बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो चलते हैं प्रॉपरली अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी को कहते हैं हमें स्टार्ट। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को वॉच करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलते हैं प्रॉपरली अपनी रेसिपी की तरफ। हमने यहाँ पर 1 किलो ले लिए हैं बीफ फेफड़ा, यानी कि बीफ का हमने लंग्स ले लिया है, उसको हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने इसको अच्छी तरह कर लेना है बॉयल। अब बॉयल करेंगे, बॉयल करने से ये होगा इसमें अगर कोई स्मेल होगी तो वो भी रिड्यूस हो जाएगी और ये जो अच्छी तरह मज़ीद जो हो जाएगा वॉश हो जाएगा। और अगर आप बीफ लंग्स बना रहे हैं तो हम इसको आप बॉयल कर लेंगे तो उससे बहुत ही अच्छा और बिल्कुल फ्रेश लुक भी आता है, टेस्ट भी बहुत मज़ेदार आता है, आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्दी बनती है। सबसे पहले हम इसको बॉयल करते हैं। बॉयल करने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है एक पोट। पोट के अंदर हमने शामिल कर देने हैं लंग्स जिसको हमने अच्छी तरह कर लिया था वॉश। यहाँ पर हमने पोट ले लिया है, पोट के अंदर हमने शामिल कर दिए बीफ लंग्स को और उसके अंदर हमने शामिल कर दिया है पानी। हमने पानी इसमें इतना ऐड किया है कि बीफ लंग्स है वो अच्छी तरह इसमें डिप हो जाए और अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। तो बॉयल करते टाइम हमने इसमें जो इंग्रीडियंट्स शामिल करने हैं वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट। हमने इसको मिक्स करना है। अगर आप मिक्स नहीं भी करते तो बॉयल होते टाइम भी अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं, बट अगर आप इसको मिक्स कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमने इसको मिक्स कर लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किए थे और उसके बाद हमने इसको कर लेना है बॉयल। हम इसको कवर कर रहे हैं, कवर करने के बाद 5 से 10 मिनट के बाद मिलता है। 5 मिनट हो गए इसको बॉयल होते हुए और हम इसका कवर जो है वो रिमूव करें। आप देख सकते हैं यहाँ, आप देख सकते हैं हमने कवर को रिमूव कर दिया है, उसकी जो गंदगी थी बॉयल होते टाइम वो ऊपर आ चुकी है। हमने ये इस पानी को करना है रिड्यूस, उसके बाद नए पानी में 5 मिनट अगेन इसको बॉयल करेंगे और बकाया जो गंदगी इसमें रह जाएगी वो भी आ जाएगी। उसके बाद हम इसको प्रॉपरली करेंगे कुक। अगर हम इसी तरह बना लेते हैं विदाउट बॉयल किए बगैर तो काफ़ी सारे बैक्टीरिया हमारे अंदर जा सकते हैं जिससे हम मज़ीद बीमार हो सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। इसको हेल्दी बनाने के लिए मज़ीद आपको अच्छी तरह से इसको कुक करना होता है। आप ये देख सकते हैं गंदगी किस तरह ऊपर आ चुकी है। तो हम इसको, ये जो गंदा पानी है इसका ऊपर का, हमने इसको रिमूव करेंगे इसको, उसके बाद हम दोबारा से इसको बॉयल करेंगे। हम बीफ लंग्स को हमने बहुत अच्छी तरह बॉयल कर लिया। आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह ये श्रिंक भी हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। इनमें जो भी इसमें ब्लड वगैरह था और जो भी इसमें बैक्टीरिया था वो रिमूव हो चुका है बॉयल होने के बाद। अब हम इसको प्रॉपरली करते हैं कुक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर एक पोट लिया है, पोट के अंदर हमने शामिल कर दिए हैं 1/2 कप ऑयल और हमने इसको कर लेना अच्छी तरह गरम। जब ये ऑयल गरम हो जाएगा इसमें हमने शामिल करने हैं इंग्रेडिएंट्स। वो क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं मैं आपको बताती हूँ। साबुत खड़ा मसाला हम इसमें शामिल करेंगे, 1 अदद हमने दालचीनी शामिल करनी है, 1 अदद हमने बड़ी इलायची इसमें शामिल करनी है, 1/2 हमने बादियान का फूल शामिल करना है इसमें और हल्दी और इसमें काली मिर्ची शामिल करके इसको अच्छी तरह कर लेंगे कुक। और साथ ही में हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद तेज़पत्ता। इन तमाम मसाला शामिल करने के बाद हमने इसमें शामिल करनी है 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज, जिसको हमने बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिया है वो हमने इसमें शामिल करना है और उसको कर लेना अगेन कुक। प्याज हमारी बहुत ही अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है, हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, ना ही इसको पिंक करना है, लाइट सा हमने इसको सौते करना है। हमारी प्याज बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर देंगे बीफ लंग्स जिनको हमने अच्छी तरह बॉईल कर लिया था वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं और उसको हम अच्छी तरह प्याज के साथ भून लेंगे। आप देख सकते हैं हमने जो बीफ लंग्स इसमें शामिल किए थे वो अच्छी तरह इसमें कुक हो रहे हैं। साथ में कुकिंग के दौरान हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट। आप फ्रेश में डालिएगा उससे ये होगा कि आपका जो बीफ लंग्स का जो सालन है वो बहुत ही मज़ेदार सा बन जाएगा, उसका टेस्ट बहुत ही यूनिक आएगा। तो हमने 2 टेबल स्पून अब इसमें शामिल करना है, 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल कर चुके हैं, 2 टेबल स्पून हमने शामिल कर दिया है। अब इसको हम मज़ीद इसको अच्छी तरह भून लेंगे। लहसुन हमने इसमें शामिल कर दिया, हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। हम 4 अदद टमाटर ले लिए हैं जिसको हमने बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिया है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह कुक कर लेंगे टमाटर शामिल करने के बाद। साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं टमाटर के साथ स्पाइसीज भी, ताकि हमारे जो तमाम इंग्रीडियंट्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह एक साथ कुक हो जाए। टमाटर शामिल करने के बाद 2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर चुके हैं, 2 टीस्पून इसके अंदर ऐड करने लगे वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर जिससे आपका जो बीफ लंग्स है वो बहुत मज़ेदार से तैयार हो जाएंगे। इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून जो कि हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं,
तो 1 टीस्पून हमने शामिल कर दी है पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून या हसबे जरूरत अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने शामिल कर दिया इसमें नमक, इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे बहुत ही जबरदस्त सा आप बहुत ही मजेदार सा आपके जो बीफ लांग से वो तैयार होने शुरू हो जाएंगे। हमने तमाम स्पाइसेस में ऐड कर दिए, हम इसको अपनी अच्छी तरह कुक कर लेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे इसमें हसबे जरूरत पानी, ताकि हमारे तमाम मसाले हैं इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए और हमारा जो सालन है बीफ लंग्स है वो बहुत मज़ेदार सा रेडी हो जाए। इसको पहले हम भून लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आपको बताते हैं इसको हम कुक करते हैं 5 मिनट तक, उसके बाद इसको बताते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है। देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बीफ लंग्स बहुत ही अच्छी तरह भून चुके हैं, टमाटर जो हमने इसमें डालते हैं वो भी इसमें अच्छी तरह हो चुके हैं और अच्छी तरीके से इसकी ग्रेवी बनकर आ चुकी है। और अब हमने लंग्स को अच्छी तरह टेंडर करना है, जिसके लिए हम इसमें शामिल करेंगे 4 गिलास पानी डाल दिए हैं हमने इसके अंदर, 1 गिलास पानी शामिल कर दिए। लंग्स को हमने अच्छी तरह भूनने के बाद इसे पानी शामिल करना होता है ताकि अच्छी तरह टेंडर हो जाए, क्योंकि लंग्स काफ़ी टाइम लेते हैं टेंडर होने में, तो इसलिए हमने इसमें 4 गिलास पानी डाले थे और इसको लो फ्लेम पर हमने इसको रख देना और इतना कुक करना है कि हमारे जो लंग्स है वो बहुत ही अच्छी तरह कुक हो जाए। तो हम इसको अभी कवर करने के लिए हम इसको रखने जा रहे हैं और हमने इसे 4 गिलास पानी शामिल कर दिया, हमने इतना कुक करने के हमारे जो लंग्स है बहुत ही अच्छी तरह टेंडर हो जाएं। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह 1 से 1.5 घंटा हो गया है और इसका जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। हमारी जो बीफ लंग्स है वो बहुत ही अच्छी तरह भुनने शुरू हो गए हैं, इसका पानी जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है, हम इसको मज़ीद भूनेंगे। बीफ जो लंग्स हैं वो अच्छी तरह टेंडर भी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आना शुरू हो गया। अब इसको फाइनल भूनते हैं अच्छी तरह और फिर मैं आपको चेक करा देती हूँ कि ये गल चुके हैं या नहीं। ये देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह हमारी जो है लंग्स वो बहुत ही अच्छी तरह टेंडर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। मज़ीद इन्ग्रीडियंट्स क्योंकि हमारे जो बीफ लंग्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह टेंडर हो चुके हैं और अब हम इसमें शामिल करेंगे मेथी। हम 1 प्याली हमने मेथी ले ली है, उसको हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया और वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चंद अदद हरी मिर्चें, ये अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे मसाला पाउडर, इसमें हमने साबुत गरम मसाला भी ऐड किया, इसलिए हमने जो अलग से जो मसाला ऐड करना है वो हमने कम करना है। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर गरम मसाले के बाद, ये हमने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर भी इसमें शामिल कर लिया है और हम इसको अच्छी तरह अगेन कर लेंगे मिक्स। आप देख सकते हैं कितना ही मज़ेदार और कितना ही ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा लुक आ चुका है बीफ लंग्स का, जो कि बहुत ही मज़ेदार से तैयार हो जाते हैं। बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है, बहुत टाइम में बनती है लेकिन बहुत ही डिलीशियस बनती है। आप खाएं और हेल्दी रहें और इंजॉय करें। इसमें लास्ट में हरा धनिया भी शामिल करेंगे जो कि हमने फिल वक्त नहीं ऐड किया है। हमारे मज़ेदार से बीफ लंग्स हो गए हैं कम्प्लीटली परफेक्टली रेडी और बस हमने इसको 2 से 3 मिनट तक अगेन कुक करना है, इसको अच्छी तरह भून लेना है और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। आप चाहें तो मेथी और पालक इसमें ऑप्शनल होता है, आप चाहें ऐड करना कर सकते हैं, नहीं पसंद तो ना करें। इसमें लास्ट में हरा धनिया डालें और रेडी है आपकी डिश और इन्जॉय करें। देख सकते हैं बीफ लंग्स हो गए हैं कम्प्लीटली रेडी, 2 से 3 मिनट्स तक इनको करेंगे हम। ये हमने से मेथी डाली है और उसके बाद आप देख सकते हैं 3 मिनट्स हो गए हैं और हमारी जो बीफ लंग्स हैं वो कम्प्लीटली परफेक्टली हो चुके हैं रेडी, ऑयल हो गया है सेपरेट, हमारी जो लंग्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह टेंडर भी हो चुके हैं। अब इसको हम फाइनली करते हैं डिश आउट और उसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं हमारे जो बीफ लंग्स हैं उसको हमने बहुत ही अच्छी तरह लिया है और उसको डिश आउट कर लिया है। लास्ट में इसको श्रिंक कर देंगे हरा धनिया हसबे ज़रूरत एज पर योर चॉइस, इससे आपकी जो रेसिपी होती है जो भी आप खाना बना रहे हो तो इसमें 4 चांद लग जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी सा लुक भी आना शुरू हो जाता है। साथ ही हमने इसमें शामिल कर दिया लास्ट में अदरक, जिंजर कटिंग में बिल्कुल बारीक सी कटिंग कर लें आप, इसमें सर्व करने के लिए बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। हमारी जो बीफ लंग्स हैं वो रेडी हो चुके हैं, अब इसको हम फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह हमारे मज़ेदार से बीफ लंग्स हो गए हैं कम्प्लीटली परफेक्टली रेडी और डिश आउट करने के बाद इसको गार्निश किया है हरा धनिया और अदरक के साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बहुत ही ज़बरदस्त लुक देती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, थोड़े टाइम लेती है लेकिन बहुत ही अच्छी बनती है। यकीनन आप लोग को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई भी करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी करिएगा लाइक और वीडियो करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह देखते रहेगा हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।